मंदसौर जिले के रिवाज देवड़ा रोड पर स्थित 500 क्वार्टर में एक रिहायशी मकान में 5 फीट का जहरीला सांप मिला। जब मकान मालिक ने दीवार पर सांप को देखा तो उन्होंने सर्परक्षक कमलदास बैरागी को बुलाया। कमलदास ने सांप का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। कमलदास द्वारा बताया गया है कि सांपों को मारना नहीं चाहिए बल्कि उनकी रक्षा करनी चाहिए। वे आमतौर पर अपने भोजन की तलाश में घरों में घुस आते हैं और कभी भी बिना कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर किसी को सांप काट ले तो झाड़ फूक के बजाय तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। सर्परक्षक द्वारा बताया गया है कि उन्होंने सांप को जंगल में छोड़ दिया है ताकि वह वहाँ बेजुबान जानवरों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। उनका मानना है कि सांपों का जीवन भी महत्वपूर्ण है और हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। मैं आपका नाम है कमलदास बेरा। कहाँ से रेस्क्यू किया है सांप? ये 500 क्वार्टर से अभी रेस्क्यू किया है देवा देवा रोड पे, और एक लाइट के मिशन में वहाँ उसके बैठा था। मेरे को कॉल आया था, मैं आके इसको सुरक्षित रेस्क्यू किया और परिवार को भी रेस्क्यू किया। जहरीला कितना है ये? सेनी महीने में रहता है, कम जहरीला। जैसे किसी को ये सांप किसी को बाइट करता है तो छोटे बच्चे को बाइट करेगा ना तो उसके लिए घातक हो सकता है, या किसी जानवर को काट बाइट करता है तो उसके लिए घातक होता है। और बड़े को इंसान को अगर ये सांप काट ले तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये टीटी का इंजेक्शन आप लगवा सकते हो। क्या वो सांपों को रहना भी अपने पर्यावरण में बहुत ज़रूरी पाया गया है, और इनको कभी मारने की कोशिश ना करें, इनको बचाने की कोशिश करें। क्योंकि आपके घरों में ये इसलिए आते हैं कि चूहे खाने के लिए भोजन की तलाश में आते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ये सांप अपने घर में दाखिल नहीं होते, तो इनको बचाओ। और कोई भी सांप काट ले आपको झाड़ फूक में कभी मत जाना। कहाँ छोड़ोगे इसको? कहाँ छोड़ोगे इसको? कहीं जंगल में जाके इसको सुरक्षित रिलीज कर देंगे, इसके वातावरण में रहेगा, इसका भोजन पानी मिलेगा, वहीं पर रहता रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम कमलदास बैरागी, सर्परक्षक मंदसौर। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।